जैन साथियों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस समय बिहार बोर्ड की शिक्षा नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव हुई है, जिससे बच्चे काफ़ी सारे परेशान हैं। उनको बहुत सारे परेशानी का सामना वो कर रहेंगे, तो उसी के बारे में हम आज इस वीडियो में बताएंगे, संपूर्ण डिटेल्स बताएंगे। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखना है, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी। इस न्यूज़पेपर में आप क्लियरली देख सक रहे होंगे कि 75% उपस्थिति का देना होगा शपथ पत्र। इंटर व मैट्रिक शामिल होंगे, 75% की उपस्थिति जरूरी, यानी कि इंटर और मैट्रिक में जो स्टूडेंट हैं उनको अब स्कूल में, अपने स्कूल या कॉलेजेस में 75% की उपस्थिति करानी ही होगी, यह इस पेपर में कहा गया है। आगे देख सकते हैं, आगे क्या कहा गया, आगे आप देख सकते हैं कि 75% की उपस्थिति अगर नहीं होती है, तो अगर आपका एडमिशन कैंसिल हो जा रहा है, तो इसका रिस्पॉन्सिबल आप होंगे, ना कि कॉलेज या स्कूल। तो इस सब के सोच के आपके मन में कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे, उस क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या स्कूल जाना ज़रूरी है? क्या 75% परीक्षा, 75% हाजिरी होनी चाहिए परीक्षा देने के लिए? क्या नाम कट जाएगा? तो ये सवालों से आप हो रहे होंगे परेशान, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, ये जो बदलाव हुई है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा बदलाव हुई है, ये जो ना है ना, ये लागू हो गया था 2020 में ही आ गया था, लागू धीरे धीरे किया जा रहा है, तो बिहार में भी आ गया है। तो आपको स्कूल तो अभी फ़िलहाल जाना होगा, चाहे आप 10th में हैं या फिर 12th में हैं, जो 24 में बोर्ड एग्ज़ाम अपना देने वाले हैं, स्कूल तो आपको जाना होगा कुछ दिन फिलहाल। नाम कटने की बात है ना, तो जो 10th और 12th में हैं उनका नाम नहीं काटा जाएगा, कुछ भी बोल दे लेकिन नाम नहीं काटा जाएगा, क्योंकि ये पॉलिसी मिड सेशन में शुरू की गई है, ना कि स्टार्टिंग में। तो बच्चा भी अब क्या करेगा, कहीं वो कोचिंग पढ़ रहा है, कोई ऐसा बच्चा है जो अपने घर से बहुत दूर स्कूल में एडमिशन करा लिया है, वो कॉलेज या स्कूल में वो नहीं जा पा रहे हैं, तो वो इस स्थिति में क्या करें? तो गवर्नमेंट भी ये समझेगी, लेकिन दबाव आप पे बना के रखेगी। तो नाम कटने का डर नहीं है, लेकिन आप वीक में, अगर आपका कॉलेज या स्कूल पास में है तो आप ज़रूर स्कूल जाइए। अगर आपका, अगर 10th में है तो आप गांव में ही होंगे, या 12th में है तो हो सकता है आपका एडमिशन किसी मतलब टाउन सिटी में हो, यानी कि घर से दूर हो तो नहीं जा सकते हैं। तो वीक में कम से कम 2 दिन जाइए, जाना ज़रूरी है। ये जो नियम है उन बच्चों के लिए, उन बच्चों पर लागू होगा जो इस समय 9th में है, या जो इस समय 9th में है, या फिर अगले साल जो है वो 10th में जाएंगे या 12th में जाएंगे, उन पर ये लागू होगा। और ये नियम जो है ना दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा नियम है, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए, आप कोचिंग में 3 घंटे में क्या पढ़ पाएंगे? स्कूल में जो है ना, स्कूल का टीचर जो होते हैं ना, आप नेट GRF होते हैं, अगर कॉलेज की बात करें तो नेट GRF होते हैं, अगर स्कूलिंग की बात करें ना हाई स्कूल की, तो उसमें भी BEd CTET करके होते हैं। तो हमको लगता है ना, कोचिंग से बेटर स्कूल में पढ़ाई हो सकती है। तो आप जो 10th और 12th में अभी हैं, उनको डरने की कोई बात नहीं है, नाम नहीं काटा जाएगा, बस आप अगर पास में हैं तो स्कूल जाते रहिए। अगर कोई आपको और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, वहाँ पे मैं बताऊँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।